वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी गाबे की सब्जी। हमारे पहाड़ों में इसको गाबे या पिन्यो अलग अलग नामों से बोला जाता है और हिंदी में इसको बोलते हैं अरबी के पत्ते। तो आज हम लोग बना के दिखाएंगे आपको पहाड़ी स्टाइल में कि गाबे की सब्जी कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है हम लोग को, ये बहुत ईजी रेसिपी है और इसकी सब्जी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो क्या करना है, जो हमारा बैक साइड है इसको लेना है और इसको चाकू से करके इसका छिकल निकाल लेना है, जो इसका ये रेसा होता है ये रेसे को निकाल लेना है। बस हर बार इसके चाकू से चारों तरफ से इसके पूरे के पूरे इसके छिकल निकाल लेने हैं हमको, और इसको फिर साफ करके सारे पत्ते इसके ऐसे ही साफ कर लेने हैं। तो एक एक पत्ता उठाइए और इसके छिकल निकालते जाइए और इसको साइड रखते जाना। तो ये देखिए जितने भी पत्ते थे और ये जो इसके डंडे थे मैंने इसको साफ कर लिया है, इसके सारे रेसे निकाल लिए हैं। और उसके बाद पत्तों से जो ये डंडे हैं इनको अलग कर लेना है। और उसके बाद हम लोग ने क्या करना है कि इसको काटना है, इसको बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि हम साग वगैरह काटते हैं, इसको मोटा मोटा काटना है हाथ से तोड़ते हुए, और हल्का मोटा मोटा ही काटना है इसको क्योंकि ये पूरा गल जाता है। तो आप मोटे रख मोटा काटो चाहे पतला काटो, उसमें पूरा पेस्ट जैसा बन जाने वाला है। तो आप इसको ऐसे मोटा मोटा ही काटते हैं, उससे मेहनत भी कम लगेगी और फटाफट भी हो जाएगा हमारा। तो इसी तरह से जितना भी हमारा इसके अरबी के पत्ते या गाबे के पत्ते जो भी हैं इसको काट के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए जो अरबी का साग था गाबे का साग उसको मैंने अच्छे से काट लिया है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है। और अब मैंने गैस में जो है कढ़ाई रख दी है तेल गर्म होने के लिए। इसको आप कोशिश करिए कि लोहे की कढ़ाई में बनाएं क्योंकि कोई भी साग लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा टेस्टी होता है। तो तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे अब जीरा और धनिया, जीरा और धनिया को चटकने देना है। और फिर इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च। तो जैसे लाल मिर्च थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तो उसमें हम लोग डालेंगे फिर ये हम लोगों ने लिया था अदरक लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसको हम डाल देंगे इसमें। और जैसे लहसुन अदरक का डालेंगे तो उसके बाद हमको कच्चापन निकालना है। और तो लहसुन और अदरक का पेस्ट हमारा कलर इसका ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। और हरी मिर्च थोड़ा सा फ्राई होने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी प्याज। इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ती हैं, थोड़ी सी चीज़ें पड़ती हैं लेकिन ये इससे ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये प्याज, इसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा, टमाटर या फिर बाकी और चीज़ें ज़्यादा इसमें कुछ पड़ना नहीं है, बस सिर्फ लहसुन अदरक और एक प्याज। तो प्याज का कलर जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसमें हम फिर मिलाएंगे अपने मसाले। तो ये देखिए प्याज का कलर हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसाले में कुछ ज़्यादा मसाले नहीं पड़ने, इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कलर के लिए ये लाल मिर्च का पाउडर, हल्का सा गरम मसाला, बस इतने ही मसाले इसमें पड़ने हैं। और उसके बाद इसमें पड़ेगा ये चूक, हम जो पहाड़ी में इसको चूक बोलते हैं। अगर आपके पास तो ये चूक नहीं होने से आप लोग इसमें नींबू का रस मिलाइए, खट्टा कुछ भी, या फिर आप इमली मिला सकते हैं, इससे क्या होता है कि अरबी के। तो ये जो चूक था मैंने इसमें मिला दिया है और आप इसमें नींबू का रस या फिर इमली जो भी आपके पास खट्टा हो, खट्टा इसको करना होता है ताकि इसमें जो अरबी के पत्तों में खटास लगती है वो गले में ना लगे। तो बस ये हमारा बन चुका है, उसके बाद अब हम इसमें मिलाएंगे अरबी के पत्ते। थोड़ा थोड़ा मिलाते रहना है और इसको घुमाना है। अभी ये कढ़ाई फुल दिखेगा लेकिन जैसे जैसे पकेगा ये बहुत कम हो जाएगा। तो इसी तरह से सारे के सारे पत्ते हम इसमें मिला लेंगे और इसको ढककर हम इसको फिर 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। बस मैंने सारे पत्ते मिला लिए हैं और मैं इसको एक बार घुमा देती हूँ, और घुमाने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी। तो हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं अभी हमारी सब्जी कैसी है। एक बार इसको बीच में चेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि कढ़ाई ना पकड़ ले। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्जी कैसी बनी है। तो देखिए सब्जी जो थी पहले कितनी थी और अभी इसकी क्वांटिटी देखिए, ये जो है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और लेकिन ये भी अच्छे से पकी नहीं है, इसका पकने का जब हम इसको ऐसे दबाएंगे तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाना चाहिए, तब ये पूरे अच्छे तरह से पका है। लेकिन अभी ये जो है पूरा इसका सब कुछ दिख रहा है,
इसके डंडे दिखते हैं, पत्ते अलग अलग दिखते हैं, इसे मतलब अभी पकाने हैं। जब ये पक जाता है तो पूरा प्लेन हो जाएगा। तो अब इसको हम फिर 5 मिनट ढक के रख देते हैं और 5 मिनट के बाद इसको फिर चेक करेंगे। तो 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम सब्जी देखते हैं कि हमारी सब्जी कैसी बनी है। तो ये देखिए सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है, एक बिल्कुल प्लेन हो चुकी है अभी। और तो इस स्टेज में हमारी जो सब्जी है इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। लोहे की कढ़ाई में बनाने से यही है कि ये इसका कलर जो है बहुत अच्छा दिखता है और इससे हमें आयरन भी काफ़ी मिलता है। खाने में भी ये बहुत पौष्टिक है, तो ये बच्चे खाए चाहे बड़े खाए, खाने में स्वादिष्ट प्लस पौष्टिक प्लस आयरन सब कुछ इससे मिलता है। तो एक बार इसको ज़रूर घर में बनाइए। और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और धनिया का मसाला। इसको डाल के हम इसको मिक्स कर देते हैं और सब्जी हमारी बनके रेडी है। इसको हम करते हैं फ्लेम को ऑफ और चलिए अब चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। तो ये देखिए ये करी मैंने सब्जी की प्लेटिंग और ये सब्जी देखिए दिखने में कितनी अच्छी लगती है। और चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे आप बताना कि आपको ये सब्जी कैसी लगी।